मुंबई में बीडीडी चौल पुनर्विकास परियोजना में पुलिस घरों की कीमत पर विरोध के बाद ठाकरे सरकार ने आखिरकार एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब पुलिस को 50 लाख रुपए की जगह 25 लाख रुपए में घर मिलेगा। आवास मंत्री जितेंद्र आव्हाड़ ने इस बात की जानकारी दी है। जितेंद्र आव्हाड़ ने ट्वीट किया कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और शरद पवार की सलाह पर बीडीडी चौल के सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों को स्थायी आवास दिया गया है। अब मकान 50 लाख की जगह 25 लाख रुपए में दिए जाएंगे। आव्हाड़ ने भी अब घर खाली करने और प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की अपील की है। बीडीडी द्वारा संचालित पुनर्विकास परियोजना में पुलिस ने सही घरों के लिए 50 लाख रुपए की कीमत घोषणा की थी, लेकिन कुछ दिनों पहले शिवसेना विधायक और पार्षदों ने कीमत कम करने के लिए मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। मुंबई के बीडीडी पुलिस कॉलोनी में कई परिवार सालों से रह रहे हैं। बीडीडी घोटाला पुनर्विकास परियोजना में एक पुलिस हाउस का सवाल पिछले कई सालों से लंबित है। आवास मंत्री जितेंद्र आव्हाड़ ने घोषणा की थी कि राज्य सरकार निर्णय करेगी और पुलिस को 50 लाख रुपए की निर्माण लागत पर घर मिलेगा, लेकिन ये राजनीति की शुरुआत हुई। पिछले 3 सालों से विभिन्न कारणों से ठप पड़ी बीडीडी चौल परियोजना में शामिल पुलिस कर्मियों के घरों के बारे में सवाल लंबित थे। पुलिस परिवार बीडीडी पुनर्विकास परियोजना में 16 झोपड़ियों में रहता है। वहीं करीब 2,250 पुलिस परिवार रह रहे हैं। नतीजन निर्माण के कई पहलू ठप हो गए थे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और आवास मंत्री ने एक बैठक में पुलिस परिवारों को 50 लाख रुपए की लागत से बीडीडी में घर देने का फैसला किया। हालांकि पुलिस और उनके परिवारों ने कहा था कि 50 लाख रुपए वहन करना योग्य नहीं, इसलिए सरकार को एक बार फिर से ध्यान से सोचना चाहिए और हमें एक किफायती घर प्रदान करना चाहिए। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आवास मंत्री जितेंद्र आव्हाड़ और स्थानीय विधायक आदित्य ठाकरे से इस मामले पर अनुरोध किया गया था, जो आखिरकार पूरी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। खबरों का सहनशाह, मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।